हम बात करने जा रहे हैं बीते रविवार की, जब अचानक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। ये नारे बेवजह नहीं लगाए जा रहे थे, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन के सपोर्ट में सड़क पर उतर आए और उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन के लोगों के आज़ादी की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना था कि फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, ये मानवाधिकार का हनन है। तो आइए हम आपको लेकर चल रहे हैं वरिष्ठ संवाददाता अरुण वर्मा के साथ उन्हीं आंदोलनकारी छात्रों के पास और जानते हैं क्या है उनका कहना। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म होता आया है गुज़िश्ता सालों से, और वह एक बहुत लंबा टाइम हो गया इस बात को, तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और ये जुल्म रुकना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि हमेशा जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के खिलाफ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं कि ये जुल्म रुकना चाहिए। आपके फिलिस्तीन के समर्थन में हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और हमें जो है अफसोस है और हमारे दिल में तकलीफ भी है, और हमारी दुआ है और हमारे तमाम जितने हमारे मुस्लिम लीडर हैं उन तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो जो है उनका सपोर्ट करें और उनका साथ दें। आज जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं वो तमाम जो है टक पॉइंट से बाबे सैयद तक आए हैं, और जैसा कि भाई ने बताया वाकई पिछले 70 सालों से जो फिलिस्तीन जुल्म का शिकार है वहाँ पर हमारी बहनें भाई बुजुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रुके, और हमारी दुआ भी है हमारे जो भी भाई उस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह ताला उनको मगफरत करे। और दूसरी बात ये है हमारे जो भी लीडर हैं हिंदुस्तान के और जो भी लीडर है पूरी दुनिया के वो फिलिस्तीन का सपोर्ट करें, क्योंकि मजलूम है फिलिस्तीन और जालिम है इसराइल। नहीं है बेसिकली वो ऑक्यूपाइड है, वो तो ज़मीन जो है इसराइल ने जो है आप उसकी हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो फिलिस्तीन की तो जगह उन लोगों ने ऑक्यूपाइड कर रखी है। तो फिलिस्तीन तो हमेशा से जुल्म का शिकार होता रहा है, अब इसराइल ने हमेशा से जुल्म किया है, कोई पहला जुल्म नहीं है। अफसोस ये है कि लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे। यूक्रेन पर जब जुल्म होता है तो लोगों का ध्यान जाता है, फिलिस्तीन पर जब जुल्म होता है तब लोगों का ध्यान नहीं जाता।